नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस टीवी हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पानी से चलने वाली कार की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी तरह दुनिया परेशान है और इसको लेकर समय समय पर बड़ी बड़ी समिट और कॉन्फ्रेंस जैसे समिट होती रहती है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जैसी मीटिंग में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, लेकिन आज तक इतने सालों में क्या परिवर्तन आया है आप सभी ने देखा होगा। इन सब समिट में सिर्फ तीन शब्द ही बार बार सुनाई देते हैं, एक तो ये कार्बन यूटिलिटी, दूसरा है नेट जीरो एमिशन और तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। जितना भी एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, चाहे वो फ्यूल के रूप में हो, कोयले के रूप में हो या फिर एटॉमिक एनर्जी के रूप में हो, उन सभी में हाइड्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट है। जो एक ग्रीन हाइड्रोजन होता है, एक क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन इतना इम्पोर्टेंट विषय क्यों है। हमारी क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत सरकार जो दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रही है, आपने देखा ही होगा, नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि हम अपनी जरूरत का जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम एनर्जी से बनाते हैं, वो आज की तारीख में केवल 100 गीगावाट बना रहे हैं और आने वाले 2030 तक हम इस कैपेसिटी को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 450 मेगावाट तक पहुंचाना चाहते हैं। और 2030 में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, केवल 8 साल में यह 100 गीगावाट से 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाएगा। लेकिन हमारा मुद्दा व्यापक नहीं है, तो वो कि ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है और ये कैसे बनती है और इससे क्या क्या फायदा होता है। अभी हम जो अपनी गाड़ियों में फ्यूल डालते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या फिर गैस का इस्तेमाल करते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होता है। जो हमारी गाड़ी में फ्यूल हम डालते हैं, तो इंजन के काम केवल हाइड्रोजन आती है और उसको ऊर्जा देती है, और बाकी बचा जो कार्बन होता है वो साइलेंसर के जरिए हवा में चले जाता है। जब C2 कार्बन को केवल ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो इस ग्रीन हाइड्रोजन को पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाएगा और ऐसे भी कुछ बचेगा ही नहीं, तो कार्बन का वातावरण में आने का सवाल ही नहीं उठेगा। और कुछ दिनों पहले इनोवेशंस को लेकर जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगले आने वाले दिसंबर में वह एक गाड़ी का मॉडल पेश करेंगे जो पूरी तरह से पानी से चलेगी, यानी ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी। और वो 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन से वह 180 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और ग्रीन हाइड्रोजन कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। दिल्ली के पास फरीदाबाद में इंडियन ऑयल का प्लांट है, जो पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर ही काम कर रहे हैं और वो कुछ ही समय में चालू भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन है क्या और ये कैसे बनती है और ये दूसरे हाइड्रोजन से या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से अलग कैसे है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पानी से मिलकर बनाया जाता है। पानी का जब इस्तेमाल होता है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, और ये जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इसको अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। लेकिन जब वे हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ी लगाई जाती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है। लेकिन जब वह ट्रांसफर की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी कोल या फिर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बन का इस्तेमाल हुआ होता है। तो फिर इसका फायदा क्या? इसलिए वे हाइड्रोजन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा और उसको वे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही बनाया जाएगा, जो हाइड्रो पावर प्लांट की बननी चाहिए या फिर सोलर प्लांट से या फिर विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए। ऐसे में ना तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किसी तरह से कार्बन का इस्तेमाल होगा या कार्बन का एलिमिनेशन एनवायरमेंट में होगा, और ना ही हाइड्रोजन को बनाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल होगा। और जब वो हाइड्रोजन किसी फ्यूल में या फिर किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी झूले में इस्तेमाल होगी, तब उसमें हाइड्रोकार्बन का जरा भी पोर्शन नहीं होगा। इससे वातावरण को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। भारत सरकार इसको लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है और सरकार का कहना है कि आज हम 2021 में हैं और 2050 तक हम अपने जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 3/4 हिस्सा 2050 तक पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे वातावरण में काफी नुकसान बच जाएगा और उससे सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे देश में मिलेगा। हमारे देश एनर्जी के मामले में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। हम हर साल एनर्जी बाहर से मंगाने के लिए
फ्यूल बनाने के लिए कोल इंपोर्ट करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इस समय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि लगातार आप देखें तो क्रूड ऑयल के दाम, कोल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रही है और यह आने वाले भविष्य में और बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए यही सही समय होगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए। आपने कोल क्राइसिस भी देखे होंगे कि बहुत सारे देशों में ये क्राइसिस हुए थे और उन्होंने पूरी तरह से विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया है और उनको इस समय कोयले की कमी हुई तो दिक्कत आएगी, लेकिन उनके लिए बेनिफिट ये है कि वो पूरी तरह से लगभग 56% से ज़्यादा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो गए हैं और आने वाले समय में हमको भी पूरी तरह से इस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। माननीय नितिन गडकरी जी हमारे देश को ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा हब बनाना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि आने वाले समय में इसका ही पेट्रोल डीजल की तरह डिमांड होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर देना और अगर ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।